नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। पटना में शुक्रवार को विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने वाली है। इसमें विपक्षी पार्टियों के नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। गुरुवार को चार राज्यों के सीएम और एक पूर्व मुख्यमंत्री बिहार पहुंच गए हैं। इनमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के अलावा जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री शामिल है। पटना आने के बाद ममता बनर्जी राबड़ी आवास पहुंची। राबड़ी देवी ने बूके देकर उनका स्वागत किया। ममता बनर्जी ने लालू प्रसाद का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मुलाकात के बाद वे पटना के सर्किट हाउस चली गई। इससे पहले एक न्यूज एजेंसी ने बताया कि गुरुवार को आपने केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस को साथ देने के लिए कहा है। पार्टी ने कहा कि अगर कांग्रेस हमारा साथ नहीं देती है तो हम विपक्ष की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। वहीं बुधवार को भी अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार समेत सभी पार्टियों को चिट्ठी लिखकर कहा था, मीटिंग में सबसे पहले केंद्र के अध्यादेश पर चर्चा होनी चाहिए। दिल्ली का अध्यादेश एक प्रयोग है, यह सफल हुआ तो केंद्र सरकार गैर भाजपा राज्यों के लिए ऐसे ही अध्यादेश लाकर राज्य सरकारों का अधिकार छीन लेगी। पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती गुरुवार सुबह 10:20 पर पटना पहुंची। इसके बाद वे बोधगया चली गई और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। इधर पटना पहुंचने के बाद अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पटना सिटी के तखत श्री हरि मंदिर साहिब गुरुद्वारा पहुंचे और मत्था टेका और प्रार्थना की। इससे पहले भाकपा माके के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और भाकपा महासचिव डी राजा भी पटना पहुंचे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।